तो हम बात करेंगे हाई स्ट्रीट के हाई कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 1.21 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से हमें इस कॉइन की प्राइस देखने को मिल रही है और 5-6 महीने के बाद अब इस कॉइन की प्राइस हमें ऑलमोस्ट 1 यूएसडी के अराउंड देखने को मिल रही है। एक बड़ा डंप ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिला है और इस वजह से अल्ट्स में हमें अच्छी अपोस्टी देखने को मिल रही है। नए लेवल्स पर सभी अल्ट्स कॉइन आ गए हैं और उसी सीरीज में हाई स्ट्रीट कॉइन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहे जिसका हाई कॉइन हमें लोवेस्ट एरिया पर मिल रहा है। तो जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 1.21 यूएसडी पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट ओपन है और अभी अगर बात करें नाइट के टाइम में 1.3 यूएसडी तक प्राइस चली गई थी और यहाँ पर अगर देखें जो प्रीवियस हमने दो दिन पहले डंप देखा, पैनिक सेलिंग देखने को मिली जिसकी वजह से पूरे कॉइंस में बड़ा डंप देखने को मिला, 1 यूएसडी पर प्राइस आ गई थी। किस लेवल से? 2.3 यूएसडी वाले लेवल पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा था, वहाँ से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला और फिर बड़ा डंप हमें देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल अगर कहें तो 3 से 4 दिनों के अंदर इस कॉइन में ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा का डंप देखने को मिला और जिस लेवल पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा था 1.5, 1.54, वहाँ से इस कॉइन में 35% तक का बड़ा डंप देखने को मिला और 1 यूएसडी वाला लो बना लिया था। रीज़न क्या था? रोबिनहुड जो एक्सचेंज है उसने अनाउंस किया था कि जो वो अपने एक्सचेंज से सोल कॉइन, मैटिक कॉइन और ADA कॉइन को डीलिस्ट करवा रहे। बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करते हैं, इंस्टीट्यूशन रिटेल इन्वेस्टर का बड़ा अमाउंट इन कॉइन में लगा हुआ है और वहाँ से अगर इस टाइप की न्यूज़ निकल के आती है तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर देखने को मिला। हमने देखा अल्ट्स में बड़ी गिरावट थी, BTC में नॉर्मल मूवमेंट था। BTC क्योंकि बड़ा है, भारी वजन है, बड़ी कैपिटल लेके बैठा हुआ है तो उसको कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। उसने कहा चलिए बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसको डीलिस्ट कर रहे, किसको लिस्ट कर रहे, मुझे उससे कोई देखने को नहीं मिला, मैं अपने हिसाब से ही चलूँगा। तो उसमें 26,700-500 ट्रेड कर रहा था, 25,300 तक आई, 1,000 का गिरावट, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का 30-40% BTC के अंदर, इथेरियम के अंदर रखिए, क्योंकि इस टाइप के जो डंप है उससे आपको ये कॉइन्स बचाता है। और लॉन्ग टर्म का अगर आपका प्लान है 3 साल 4 साल, तो लॉन्ग टर्म में हम अगर कहें तो ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। विज़न जो है आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म में या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले जो हैं उसके लिए अलग आप फंड रखिए। आपके पास जो कैपिटल है उसका 20% 30% आप ट्रेड कर रही है, आपका जो खर्चा है रेगुलर मंथली इनकम उससे जनरेट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप बड़े कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट रखिए। अर्ट्स पर उतना भरोसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पिछले साल देखी है और इस साल भी ये जो आया है अभी कि रोबिनहुड ने इन कॉइन्स को डीलिस्ट किया है, मतलब हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म का विज़न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर इस कॉइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 1.1 यूएसडी वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया जिससे ऊपर अभी ट्रेड भी कर रहा है, डेली क्लोजिंग भी हमें इससे ऊपर देखने को मिली है और एक क्विक रिकवरी कॉइन है ये। यहाँ अगर बात करें तो दिसंबर मंथ में जिस लेवल पर हमने इस कॉइन में एंट्री ली थी, 83 सेंट पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा था और वहाँ पर हमने इस कॉइन में 90 सेंट पर एंट्री ले करके 4.6 यूएसडी वाला जो एरिया इस कॉइन ने बनाया था वो लेवल ग्रेप किया था। अच्छा प्रॉफिट हमने इस कॉइन के अंदर जनरेट किया। मेटावर्स का कॉइन है और एक अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है और इस कॉइन में जहां हमने दिसंबर मंथ में एंट्री ली थी
उससे थोड़ा सा ऊपर एंट्री मिल रही, तो क्यों हम इस लेवल को मिस करें? इस लेवल को अगर आप मिस कर देंगे तो जहां ऊपर वाली बाइंग है जिन लोगों की, वहां हम सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर वेट करेंगे अच्छे लेवल का। और अभी रिसेंटली भी 1.37 वाला इस कॉइन ने लो बनाया था, वहां पर भी हमने 1.5 USDT का राउंड में आपको एंट्री शेयर करके, और जो रिसेंटली 2.2-2.3 तक कॉइन गया था वो एरिया भी हमने ग्रेप किया है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें पिछले 3-4 महीने 6 महीने फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने रेगुलर इस कॉइन के थ्रू दूसरे कॉइन जिन जिन कॉइन पर आप पोस्टिंग रही है प्रॉफिट बुक किया है, एंट्री ली है और अच्छे लेवल को ग्रेप किया है। अभी अगर बात करें एंट्री की, तो 1.2 USDT पर आपको इस कॉइन में एंट्री लेनी है, यानी कि जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा ऑलमोस्ट उस एरिया पर आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से 1.2 USDT पर एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन और देखने को मिलती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो सेकेंड एंट्री आपको 1.1 USDT पर लेनी है, जो रहेगी आपकी बाकी 30% पार्ट से। इस टाइप से 70-30 के रेशो में आपको इस कॉइन में एंट्री लेनी है। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे यानी कि क्विक प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए इमीडिएट टारगेट रहेगा 1.45 वाला लेवल, जहां पर आपको अपना 60% टोकन सेल करने हैं। सेकंड टारगेट रहेगा 1.6 USDT वाला लेवल, जहां पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करने हैं। देखिए, अगर यहां से मार्केट में और गिरावट देखने को नहीं मिलती है, कोई वापस से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है, तो यहां से ये कॉइन क्विक रिकवर कर जाएगा और आपको इजीली 1.6-1.8 USDT पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा इजीली, और ये लेवल्स आपको इजीली 2-3 दिन के अंदर ये ब्रेक करता हुआ दिखेगा, तो आपको प्रॉपर सेल लिमिट लगा के रखनी है। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं वो 1.75 USDT वाला लेवल टारगेट रखेंगे, जहां पर आपको अपना 100% पार्ट सेल करना है, 100% पार्ट की आपको सेल लिमिट लगा देनी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है तो बहुत अच्छे लेवल पर बहुत डाउन ट्रेंड के अंदर आपको डिप के अंदर इस कॉइन में एंट्री मिल रही है, और इस लेवल पर आपको एंट्री मिस नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म में भी आपको ये कॉइन बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। तो जो भी इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी लेवल्स हैं उन लेवल्स पर बाय करके प्रॉपर सेल लिमिट पुट करके रखें, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएँ, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरी रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हैं, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।